हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोस्टन। सो फाइनली नॉर्सेट 2022 हो गया है। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा और अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट्स पर रिक्रूटमेंट होगा, इस पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्ज़ाम की। सो शिफ्ट वन में OBG एंड साइकेट्रिक बल्क में था एंड शिफ्ट टू में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मीन्स अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। सो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आप देखेंगे कि 50-60% क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इजीली कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, तो जिससे आपको ये लगे कि अरे पेपर तो इजी है। सेकेंडली, अगर 20-25% क्वेश्चंस की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लाइक जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जिनमें से ऑप्शंस सारे आपको एक जैसे ही लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, इस पर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ईजीली कर पाते हैं जिनका थ्योरी बेटर है, नो ऑफेंसेस। सो नेक्स्ट 15% क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले जो डिसाइडेड क्वेश्चंस थे, मींस ये क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएगा जिसकी की प्रिपरेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर थी। एंड इन क्वेश्चंस में हम GK के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज हम नर्सिंग कम्युनिटी का क्या है कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं GK के क्वेश्चंस पर। एक्चुअली GK कैन गिव अ ग्रेट हाइक प्रोवाइडेड यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो GK ऐसा पोर्शन है क्योंकि मैक्सिमम जो नर्सेज हैं वो प्रिपेयर नहीं करेंगी मैक्सिमम, लाइक कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ और कामों में भी लगे पड़े हैं, तो वो अपना बेसिक पोर्शन तो कंप्लीट कर लेते हैं बट GK पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सो GK भी एक ग्रे एरिया कह सकते हैं नर्सेज का है। सो मोस्टली जो एम्स हैं वो आपका ऐसा एग्ज़ाम डालता है जो कि बेसिक लेवल पे होता है। जो एम्स है उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेसिक है। जब दिस एग्ज़ाम कम्स ना बिफोर वी कॉन्ट इवन प्रोसेस कि भाई ये आ क्या गया। स्टूडेंट्स कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करते, जितना सिंपल क्वेश्चन में वो मिस्टेक कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑब्वियसली या तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे या तो हम उसको छोड़ देंगे, बट सिंपल क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसमें हम मिस्टेक ज़्यादा कर लेते हैं। जो एम्स है इसने इसी तरह का पेपर इस बार क्या हर बार यही पैटर्न देखने को मिलता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, वेल एंड गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, डोंट लेट यू डाउन, बिकॉज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना ही अभी बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। और अभी आप किसी और एग्ज़ाम को अपना टारगेट बनाओ और अपना हार्ड वर्क करना मत छोड़ो, बिकॉज एक डेटम जो हो गया उस पर अगेन एंड अगेन रिपेंट करके डोंट वेस्ट योर अपकमिंग गोल। सो ट्राई हार्ड, अपनी मिस्टेक्स पे काम करो, और कोई भी डाउट हो नर्सिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल।